हेलो दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए दल बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल बीजेपी से ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार में एनडीए का बिखराव तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। और दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में मंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक 8 समन भेज चुका है, लेकिन फिर भी बीजेपी के आगे केजरीवाल झुक नहीं रहे, जिसके बाद अब राउत एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा है और ये समन प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर भेजा गया है। और अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च तक पेश होने के निर्देश दिए हैं और ईडी के भेजे गए हुए 8 समन पर सीएम केजरीवाल ने गैरकानूनी बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने 12 मार्च को आगे की तारीख मांग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देने के लिए कहा था और अब राव तेवन ने उन्हें 16 मार्च को समन भेज दिया है पेश होने का।